नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा था कि अब देश में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस तरह देश के अधिकतर युवा बेरोजगार हैं, उससे फिलहाल तो प्रधानमंत्री का दावा सच होता हुआ नजर नहीं आता। आप जो ये युवाओं की लाश देख रहे हैं, ये कोई आम लोग नहीं है, दरअसल ये खतरनाक नक्सली है जिन्हें सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस को सूचना मिलती है कि 12 से 13 हथियारबंद नक्सली मंडला जिले में मोतीनाला थाना क्षेत्र के गांव लालपुर के पास देखे गए, जिसके बाद पुलिस और हॉक्स फोर्स की संयुक्त टीम ने मोर्चाबंदी करते हुए नक्सलियों को सरेंडर के लिए बोला, लेकिन नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सेना भी फायरिंग करती है, जिसमें दो नक्सली ढेर हो जाते हैं, जबकि बाकी भागने में सफल रहे। कल की घटना पुलिस की एसपी कप्तान साहब की कार्यप्रणाली को मैं याद करता हूँ। मैंने काफ़ी अच्छा उसमें रणनीति और स्ट्रेटेजी प्लानिंग उन्होंने विनेश किया, उनके टीम हमारे कमांडेंट साहब की टीम बहुत मिलकर उन्होंने काम किया है, उनको बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन मिला है, हमारा मानपुत्र भी अच्छे है। जानकारी के अनुसार मारे गए नक्सलियों की पहचान बस्तर के 8-8 लाख रुपए की नामी खुखार दुला और गीता के रूप में की गई। दोनों नक्सलियों के पास से 303 315 बोर और SLR राइफल सहित कुल 3 हथियार और अनाज बरामद किए गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या देश में अभी भी नक्सलवाद चरम पर है? सवाल ये भी है कि क्या प्रधानमंत्री ने भाषण में इसका जिक्र तो जरूर किया, लेकिन इस पे प्लानिंग नहीं की गई। सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस बात का जिक्र किया था, तो क्या इस बात की रिपोर्ट अधिकारियों से नहीं ली गई? दरअसल झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में नक्सली हमले अभी भी होते हैं। प्रशासन की मजबूरी है उन्हें मारना, लेकिन सुधार की जो कोशिश किए गए उससे बदलाव की उम्मीद तो जगी, लेकिन सरकारी प्रयास उस हद तक नहीं किए गए जिससे सुधार पूरी तरह हो पाए। शारदा श्रीवास्तव, मंडला, ग्लोबल भारत, मध्य प्रदेश।